नमस्कार आप सभी का स्वागत है टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम में इस समावेशी कक्षा के सत्र में हम लाए हैं ये सत्र कक्षा छः के बच्चों के लिए आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर छः पर और इसके साथ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एन ऑफिशियल के माध्यम से कक्षा छः के बच्चों के लिए सोशल साइंस का विषय है चैप्टर फोर आपकी टेक्स्ट बुक से पंचायती राज तो आप सभी पंचायती राज जो हमारा सोशल साइंस का विषय है इससे जुड़े कोई भी प्रश्न हमसे पूछना चाहें तो बेझिझक आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैं सृजन राजपूत हूँ और आज के सत्र में आपके साथ रहूँगी और बता दूँ कि कौन से तरीके हैं हमसे जुड़ने के अपने प्रश्नों को हम तक पहुँचाने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं डी टी एच डॉट क्लास सिक्स एट द रेट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है ये है एट एट ज़ीरो ज़ीरो फोर फोर ज़ीरो फाइव फाइव नाइन या फिर आप हमें हमारे लाइव चैट बॉक्स ऑप्शन में जाकर भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं इस समावेशी कक्षा के जरिए हम आपकी सोच को आपके नज़रिए को और विस्तृत करने के लिए खास बच्चों के लिए खास सत्र लाते हैं जिनके जरिए वो बच्चे भी जो किसी अक्षमता से गुजर रहे हैं वो भी इन विषयों को पढ़कर अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं तो आज पंचायती राज विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं सर डॉक्टर राहुल उनियाल आप टीचर हैं एट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे साथ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सावरी को सावरी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं क्योंकि पंचायती राज अपने आप में इतना इम्पॉटेंट टॉपिक है हम सभी सोचते हैं पंच यानी पांच लोग जहाँ पर राज होता है गांव में जिनका राज होता है गांव में और आप यही सोचते होंगे कि क्या गाँव में ही पंचायती राज चलता है या फिर शहरों में भी किसी तरह से पंचायती राज चलता है या फिर आप ये सोच रहे हैं कि अगर पंचायती राज जो है गाँव पर पूरा पूरा अपना राज चला रहे हैं तो ऐसे में क्या जो सरकार है या फिर जो मेन शहरों में काम कर रही सेंट्रल गवर्नमेंट्स से उनका होल्ड कहाँ पर है उनकी पोजीशन क्या है या फिर वो उसको कैसे मेंटेन करते हैं आई एम श्योर आप इस चैप्टर को लेकर बहुत उत्सुक होंगे जानने में और एक फेमस कोट है महात्मा गांधी जी ने हमारे बापू ने कहा है द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइस इन इट्स विलेज गांवों में बसता है हमारा भारत देश तो गांवों के विषय से जुड़ा ये आज का विषय पंचायती राज चलिए शुरू करते हैं सर से जानते हैं कि आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या पंचायती राज या फिर पंचों का राज सिर्फ गाँव में होता है या शहरों में भी होता है जी जो पंचायती राज है पंचायती राज का मतलब होता है पंच अब मैं आपको एक बात बता दूं कि सुन के लगता है कि पंच मतलब पांच जी लेकिन ऐसा नहीं है

उसकी जो गवर्नमेंट है उसके लेवल क्या है ठीक है क्योंकि गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पे काम करती है तो हम उन लेवल्स के बारे में बात करते हैं सबसे जो बड़ा लेवल होता है वो होता है यूनियन गवर्नमेंट का यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल पे काम करती है।, है उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट जो एक एक स्टेट को लेके काम करती है जैसे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अलग होगी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट अलग होगी तो ये अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट आती है स्टेट गवर्नमेंट के बाद आती है लोकल गवर्नमेंट क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पूरी स्टेट को एक साथ गवर्न नहीं कर सकती तो लोकल गवर्नमेंट में ये सब कुछ डिवाइड होता है लोकल गवर्नमेंट में आता है पंचायती राज पंचायती राज 1998 में किया गया था क्योंकि तब हमको ये नीड लगी कि हम छोटे छोटे गांव तक नहीं पहुंच पा रहे पंचायती राज डेमोक्रेसी का सबसे सिंपल फॉर्म है अब अगर हमें स्पेशल बच्चों को ये टॉपिक समझाना तो एक बहुत आसान तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे कहते हैं रोल प्ले अब पांच छे बच्चों को एक पंचायती सिस्टम में बिठा दीजिए और उनसे कहिए कि वो अपना प्रतिनिधि चुने वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने जिस रिप्रेजेंटेटिव को वो चुनेंगे उसे कहेंगे पंच जी तो पंचायती राज में सबसे जो मेन महत्व होता है वो होता है चुनने का कि आप अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन चुनने जिसको आप चाहते हैं कि भाई ये आगे जाकर हमारी बातों को रखे पंचायती राज में तीन लेवल है डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल और ग्राम लेवल जिसमें सबसे सिंपल जो लेवल होता है वो ग्राम लेवल होता है इसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं जो अपने आप चलने वाली गवर्नमेंट होती है और डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि ये सरकार या जो ये राज है जो पंच है वो लोग खुद चुनते हैं कोई और उनको नहीं चुनता जी तो ऐसे में क्या जब जैसे कि हम देखते हैं हमारे चुनाव होते हैं लोकसभा के या फिर हम राज्यसभा के चुनाव में भी भाग लेते हैं तो ऐसे में क्या जहां गांव में चुनाव होते हैं पंचों के चुनाव होते हैं तो वहां पर जो प्रतिनिधि सामने आते हैं उनमें महिलाओं का कुछ रिजर्व हिस्सा होता है जी बिल्कुल इसमें भी एक तिहाई सीटें जो होती हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं और ऐसा भी कई बार होता है कि कुछ गाँव में जो पंच होता है उस पंच की सीट स्पेसिफिकली सिर्फ महिला के लिए रिजर्व होती है कि उस समय वहां से जो पंच की सीट है उसमें कोई महिला ही खड़ी होगी और कोई महिला ही पंच बनेगी ठीक है जी और तीन लेवल में हम इस गांव की जो गवर्नमेंट होती है, इसको है।, दिस्ट्रिक्ट, जो दिस्ट्रिक्ट लेवल है जिसको कि हम जिला परिषद भी कहते हैं तो सामान्य भाषा में इसको जिला परिषद कहा जाता है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है देन ब्लॉक लेवल जिसको जनपद भी कहते हैं और पंचायती समिति भी कहते हैं ये हमारा ब्लॉक लेवल की गवर्नमेंट है और सबसे सिंपल होती है हमारी ग्राम पंचायत अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा इन दोनों में हमको समझना पड़ेगा कि क्या अंतर है जी सर मैं भी यही जानना चाहती थी जब मैंने अपनी स्क्रीन पर देखा कि आप ग्राम सभा की बात करने जा रहे हैं और ग्राम पंचायत तो हमारा विषय है ही पंचायती राज पर हम बात कर रहे हैं तो इन दो जो बिंदु हैं या दो ये जो शब्द हैं ये कैसे एक दूसरे से अलग है चलिए एक ऐसा करते हैं कि जो रोल प्ले की हम बात कर रहे थे उसी रोल प्ले को थोड़ा विस्तृत तरीके से समझते हैं ठीक है तो हमारी क्लास में पचास बच्चे हैं इन पचास बच्चों को हमने दस ग्रुप में बांट दिया तो जो पचास बच्चे हैं वो हो गया मेरा पूरा बड़ा गांव और जिन दस ग्रुप में मैंने बांटा पांच पांच बच्चों के जो दस ग्रुप हो गए ये हो गए मेरे वार्ड ठीक है यानी कि छोटे हिस्से अब मैं इन पांच पांच बच्चों के ग्रुप में कहूंगा कि आप सभी अपना एक प्रतिनिधि चुन लीजिए ठीक है आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लीजिए जो रिप्रेजेंटेटिव इस पांच बच्चों के ग्रुप ने चुना वो कहलाएगा पंच ठीक है अब यहां पर हमारे पास कितने पंच हो गए आ, यहां पर तो अभी आ, दस पंच हो गए ठीक है ठीक है अब देखिए नाम पंच कहला रहे हैं, लेकिन हमने दस पंचों को चुना जी. अब ये दस पंच एक मीटिंग करेंगे और दस पंच आपस में डिसाइड करेंगे कि इस पूरी सभा को ये जो दस पंचों की सभा है, इसका हेड कौन बनेगा ठीक है ठीक है और हेड मतलब सर तो जो पंचों का सर हुआ सरपंच जो होता है वो पंचों का हेड होता है और जो पंच होते हैं वो वार्ड से चुने जाते हैं अब अगर हम ध्यान से देखें तो हर पांच ग्रुप में जो बच्चे थे उन्होंने एक विद्यार्थी को चुना उन एक विद्यार्थियों ने अपना हेड चुन लिया तो ये पूरी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट बन गई जी बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत तरीका है ये इस तरह से बच्चों को समझाने का कि किस तरह से ये पंचायती राज ग्राम सभा और ग्राम पंचायत काम करती है सर एक प्रश्न और जानना चाहूंगी कि अब ये पंचायती राज हमने गाँव की बात करी तो ऐसे में जो हमारी सरकार है वो अपना मैनेजमेंट या फिर कहें कि केस उन तक ना रह जाए आगे पहुंचे बाद बाहर निकल कर आए उसके लिए वो कैसे मेंटेन करती है गाँव में इस तरह की पंचायतों को बिल्कुल तो पहले हम ये समझते हैं कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत में मुख्य अंतर क्या थे ठीक है ठीक है मुख्य अंतर ये

क्योंकि 18 साल से बड़ा व्यक्ति ही वोट दे सकता है जी। तो जो हमारे पंच होते हैं उनको भी वोट देकर चूज किया जाता है इसीलिए डेमोक्रेसी है तो 18 साल से बड़ा व्यक्ति ग्राम सभा का मेंबर है और ग्राम को गांव को हम ब्लॉक में डिवाइड कर देंगे ताकि छोटे छोटे ब्लॉक से छोटे छोटे मेंबरों को चुना जा सके इसमें से सरपंच का चुनाव होता है जी। अब आपके सवाल पे वापिस आते हैं आपने पूछा कि क्या सरकार का किसी तरीके से कोई हस्तक्षेप होगा क्योंकि अगर सरकार का हस्तक्षेप नहीं है तो सरकार कल को यह कैसे देखेगी कि जो भी हमने फंड दिया था उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो पाया या नहीं बिल्कुल तो ऐसा करने के लिए चुना जाता है सेक्रेटरी सेक्रेटरी जो ग्राम पंचायत का होता है यह एक सरकारी ऑफिशियल होता है एक सरकारी है? व्यक्ति होता है जिसका चुनाव सरकार के द्वारा किया जाता है ठीक है अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इस सेक्रेटरी के काम क्या है सरकार ने इसको चुन तो लिया पर जब सारा काम गांव के लोग खुद ही कर रहे थे तो सेक्रेटरी का काम क्या है तो सेक्रेटरी का सबसे पहला काम होता है ग्राम सभा की मीटिंग को बुलाना जैसे आपको याद होगा हमारा वही क्लासरूम जिसमें पचास बच्चे थे जी। और दस पंच थे और दस पंचों में एक सरपंच था जी। तो एक सेक्रेटरी मान लेते हैं कि जो क्लास टीचर है वो सेक्रेटरी है क्योंकि क्लास टीचर यहां पे जो मेन अथॉरिटी है तो क्लास टीचर ने मीटिंग बुलाई कि इस हफ्ते हम क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे और क्लास में क्या क्या समस्याएं हमको हो रही है तो वो सेक्रेटरी का काम है मुद्दे डिसाइड करना और दूसरी चीज यह देखना कि भाई मीटिंग समय समय पर बुलाई जाए ग्राम सभा की भी और ग्राम पंचायत की भी ठीक है। और साथ ही साथ प्रत्येक मीटिंग का रिकॉर्ड रखना वो नोट डाउन करके रखता है कि मीटिंग इस डेट को हुई थी और इस डेट की मीटिंग में यह मुद्दे थे जिन पर बहस की गई जी। और कहीं ना कहीं ये सेक्रेटरी अपॉइंट करना ये मनमानी को भी रोकता है कि अगर कोई व्यक्ति सरपंच के तौर पर आया है या फिर वो ग्राम सभा से इलेक्ट होकर आया है तो ऐसे में उसकी अनचाही मनमानी ना हो उस पर भी किसी का होल्ड हो बिल्कुल जी। बिल्कुल कि गांव में अगर एक सरपंच बन गया सरपंच अपनी मनमानी से कोई भी काम कर रहा है तो उस मनमानी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं गांव के जो लोग हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे और सेक्रेटरी तो उस चीज को नोट डाउन करके ही रखेगा जी। क्योंकि गांव के लोगों ने उस सरपंच को चुना है उन वार्ड के मेंबर्स को चुना है उन पंचों को चुना है तो ये एक तरीके से पीपल्स गवर्नमेंट है इसकी अब एक भागीदारी का आप यह समझिए कि अगली बार जब इलेक्शन होगा गांव में तो अगर इन पंचों ने इस बार ठीक से काम नहीं किया तो अगली बार इनको नहीं चुना जाएगा तो इसीलिए जो पूरी की पूरी बागडोर है जो पूरा का पूरा जो लेखा जोखा है वो सेक्रेटरी के साथ गांव के जो सामान्य लोग हैं उनके हाथ में भी है जी ठीक है आगे बढ़ते हैं अब आप एक सवाल जो सबसे सबके हमारे दिमाग में उठेगा कि ये ग्राम पंचायत और ग्राम सभा काम क्या क्या करती है क्योंकि गांव में तो बहुत सारे काम है इन बहुत सारे कामों को बांटना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि ग्राम पंचायत क्या करती है और किस तरीके से करती है तो सबसे पहला काम जो ग्राम पंचायत का होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेस गांव के अंदर तालाब होते हैं कुएं होते हैं सड़कें होती हैं ड्रेनेज की सुविधाएं होती हैं स्कूल की बिल्डिंग होती हैं वो सारी चीज जो सरकारी हैं उनकी जो देख रेख करना उनके रख रखाव का ध्यान रखना कितना खर्चा आएगा वो खर्चा कहां से आएगा ये सारा का सारा मैनेजमेंट जो होता है ये ग्राम पंचायत का होता है ठीक है जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा जो हमारी एनसीआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें भी एक उदाहरण एक गांव का है जिस गांव में ग्राम सभा में ये डिस्कशन होता है कि इस बार गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से गांव में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है तो ग्राम सभा के सभी मेंबर्स हैं और क्योंकि ग्राम सभा के सभी मेंबर्स हैं तो इन सब मेंबर्स से पूछा जाता है कि आप क्या सजेस्ट करेंगे जी कि अगर यह समस्या है तो इस समस्या का कोई ना कोई समाधान आप सजेस्ट कीजिए तो सभा के सभी मेंबर्स अपनी समझ के हिसाब से अलग अलग समाधान देते हैं कोई कहता है कि इसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेते हैं कोई कहता है कि ट्यूबवेल लगवा लेते हैं जो नदी से हमारी एक बड़ी ट्यूबवेल जो गांव में सीधा पानी लाएगी कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा करते हैं नए को देखो जो कुएं होते हैं वो नए कुएं खुदवा लेते हैं इन सबको सुनने के बाद देखिए सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो लेगी जो पंचायत है लेकिन सजेशन सबसे लिए जाएंगे जी। तो जो पंचायत के जो पंच हैं, जो कि हमारे सारे मेंबर्स हैं, वो फिर इस चीज का डिस्कशन सरपंच के साथ करेंगे जी। और और सरपंच वो पंचायत डिसाइड करेगी कि सबसे सही किफायती जो डिसीजन है वो क्या है जी। ऐसे में ये कह सकते हैं कि वो एक विपक्ष पार्टी का रोल निभाएगी कि क्रॉस क्वेश्चनिंग करना की ऐसा नहीं है या फिर ऐसा क्यों है जी बिल्कुल ग्राम सभा अपने आप में एक ओपन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जैसे अगर कोई व्यक्ति गांव में कोई सजेशन देना चाहता है तो बिल्कुल ओपन है वो सरपंचों को कह सकता है कि हम ऐसा करेंगे जैसे पानी के लिए वो कह सकता है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेते हैं अगले साल ये हमारी समस्या जो है नहीं होगी तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लोगों को समझा सकते हैं पर में जो डिसीजन है वो पंच और सरपंच लेंगे कि हाँ ये काम करना है और ये नहीं करना है तो वो उस चीज को लेके काम करते हैं गांव में प्राइमरी स्कूल है गांव में जो डिस्पेंसरी है जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है अगर उन बिल्डिंग में कुछ नुकसान हो रखा है टूट फूट हो रखी है उनको ठीक कराने का काम स्कूल बनवाने का काम सड़कें बनवाने का काम अब देखिए एक जो मेन सड़क होगी वो तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बनवाएगी लेकिन गांव के अंदर जो कच्ची पगडंडियां होती है उनको अगर ठीक करवाने का काम है तो वो भी हमारी पंचायत करती है इसके अलावा ग्राम पंचायत में एक और इंपॉर्टेंट काम है सपोज कीजिए कि कोई सरकारी निधि आ गई कोई समिति आ गई कि भाई गांव के लिए हम इतना फंड दे रहे हैं, इसके लिए इससे गांव में कुछ नया काम करना है तो पंचायत और ग्राम सभा कई बार कमेटी बनाती है कि पांच लोग छह लोग सात लोग मिलकर एक कमेटी है और यह कमेटी देखेगी कि गांव में जितनी भी कच्ची सड़कें हैं उनको पक्का करवाया जाए तो वो जो समिति का काम होता है वो भी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत करती है जी। ग्राम पंचायत के और अगर मैं काम देखूं तो उसके कामों में सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सैनिटेशन जैसा कि हम सब जानते हैं सैनिटेशन का मतलब सैनिटेशन का मतलब होता है कि सैनिटरी यानी कि जो ओपन वॉशरूम्स होते हैं तो गांव में अलग अलग जगहों पर वॉशरूम बनवाना गांव में अब जैसे एक नई स्कीम गवर्नमेंट की आई थी कुछ साल पहले कि गांव में प्रत्येक घर में वॉशरूम होना चाहिए और इस वॉशरूम के लिए सरकार देती है ग्रांट ग्रांट मतलब सरकार कुछ धनराशि देती है जो गांव के प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगी जी। अब दो लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एक सेक्रेटरी का और एक पंचायत का जी। पंचायत ये बताएगी कि भाई हमारे गांव में इतने घर हैं जिनमें लोग रहते हैं इतने व्यक्ति हैं इनके घरों में आपको जो बाथरूम है जो वॉशरूम है उसे बनवाना पड़ेगा जी। और इस चीज को मैनेज करने का काम जो हमारा सेक्रेटरी है वो करेंगे वो इस बात को रेगुलेट करते हैं टिक करते हैं कि हाँ जी बिल्कुल सही है जी। ये जो ये कह रहे हैं इतने लोगों के घर यहां पे वॉशरूम नहीं है तो इनको बनवाया जाए और ग्रांट उसके बाद सरपंच साइन करेंगे तो ग्रांट सरपंच के साइन के बाद ही रिलीज होगा अब आप देखिए कि सबसे पहले सेक्रेटरी ने डिसीजन लिया फिर पंचायत ने लिया और फिर सरपंच ने लिया तो इससे आ जाती है अकाउंटेबिलिटी जी यानी कि सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं जी ऐसे में भी अगर कहीं पर हमें किसी आ, कमी की गुंजाइश हो या फिर कोई ग्राम सभा का सदस्य ही कह लीजिए एक आम व्यक्ति है 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 उसे उसे कोई समस्या है और उसे लगता है कि अगर वो सरपंच के पास जाएगा तब भी बात नहीं बनेगी या फिर वो सेक्रेटरी के पास जाएगा तब भी बात नहीं बनेगी तो ऐसे में अगला स्टेप अगर वो कोई लेना चाहे तो वो किस व्यक्ति को कंसल्ट करेगा देखिए सबसे पहले लेवल पे तो वो सेक्रेटरी को रिटर्न कम्प्लेट दे सकता है ठीक है अगर सेक्रेटरी को कोई रिटर्न कंप्लेट दी जाती है तो सेक्रेटरी उस रिटर्न कंप्लेट के हिसाब से कंप्लेंट आई है तो वो उस पंचायत कमेटी की भी कंप्लेंट कर सकता है, होता है उनको भी एक रिटर्न कंप्लेंट लिखी जा सकती है कि ये जो स्कीम सरकार ने लॉन्च करी थी इस स्कीम का जो फायदा मुझको होना था वो मुझको नहीं हो पाया तो बीडीओ जो होता है वो भी इस चीज के लिए रिटर्न कंप्लेंट रिसीव करते हैं ठीक है जी। और जो ग्राम पंचायत के और जो कार्य थे उसमें एक होता है प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन जैसा कि हम सब जानते हैं राइट टू एजुकेशन 2008 में आया जिसके हिसाब से हर एक गांव में अब स्कूल बनाने की जो सुविधा है उसको सरकार ने मुहैया करवाया है कि सभी गांव में स्कूल होना चाहिए तो ये भी रेगुलेट करना कि गांव की स्कूल की जो बिल्डिंग है जो इस तरीके से कि वहां पे क्लासेस की जा सके वो भी काम हमारी पंचायत का होता है पंचायत और कौन कौन से फंक्शन को रेगुलेट करती है उसमें लाइटनिंग ऑन द रोड जैसे गांव में अगर लाइट लगानी है अब देखिए मेरे घर का काम है तो मैं करूंगा आपके घर का काम है तो आप करेंगे लेकिन अगर गांव का काम है तो वो तो किसी का पर्सनल काम नहीं है तो उसके लिए पैसा कौन खर्च करेगा जी। उसके लिए तो कोई अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करेगा इसके लिए सरकार पैसा देती है और सरकार पैसा देती है और इस पैसे का उपयोग या मैं कहूं इस पैसे का सदुपयोग ग्राम पंचायत को करना पड़ता है तो ग्राम पंचायत जगह जगह गांव में लाइट लगवाती है ठीक है उन लाइटों से यह रेगुलेट किया जाता है कि देखिए जी ये लाइट है इससे गांव में सदैव रोशनी रहेगी जी। थोड़ा सा वापिस पीछे आना चाहूंगा मैं आपको पीछे एक चीज दिखाना चाहूंगा कि जो आपने सवाल पूछा था जी। ये वाला कि ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की हम बात करें तो ग्राम सभा से बनी ग्राम पंचायत जो कि गांव लेवल पे है ठीक है अगर गांव के लेवल पे किसी की समस्या का समाधान नहीं होता तो वो इस समस्या को लेके ब्लॉक पंचायत में जा सकता है ठीक है जो कि जनपद की पंचायत होती है जो बड़े एरिया की पंचायत होती है वहां पे भी इस समस्या को उठाया जा सकता है आप वर्बल भी बोल सकते हैं और रिटर्न में भी लेके जा सकते हैं अगर ब्लॉक लेवल पे समाधान आपको नहीं मिल रहा तो आप इसको लेके जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की जिला परिषद में तो तीनों लेवल पर सुनवाई है बट इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो होती है जो जिला परिषद होता है वो एक बड़ी समिति है तो उसके जो काम करने का तरीका है वो भी थोड़ा सा स्लो है ग्राम पंचायत की अपेक्षा में बिल्कुल तो वापिस हम एक बार फंक्शन समझ लेते हैं कि और क्या हमने देखा तो उसके अलावा लोकल टैक्सेस जी अब हम सब में से हम तो एक जो महानगरों में लोग रहते हैं उनको लोकल टैक्सेस की इतनी समझ नहीं है जी. लेकिन गांव में कुछ लोकल टैक्सेस भी कलेक्ट किए जाते हैं हुँ. ये जो लोकल टैक्स होते हैं इन लोकल टैक्सेस को कलेक्ट करने का इकट्ठा करने का जो काम है वो भी ग्राम पंचायत करती है तो ग्राम पंचायत कुछ लोगों को अपॉइंट कर देगी और ये लोग इन हुँ. सारी चीज़ों को इन सारे टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं और इन्हीं टैक्सों का उपयोग करते हैं बाद में गाँव की भलाई के लिए छोटे से छोटा काम जैसे कुआं साफ करना अगर गर्मियां आ गई है पानी की कमी है तो कुएं साफ करने पड़ेंगे सड़कों की सफाई रखनी पड़ेगी लाइटें लगवानी पड़ेंगी ये सारे काम ग्राम पंचायत के होते हैं जी। और ग्राम पंचायत जो भी काम करेगी वो ग्राम सभा अप्रूव करती है जैसा कि आपने पूछा था कि अगर कोई आम व्यक्ति कुछ करवाना चाहे तो ग्राम सभा में उसका डिस्कशन होगा जी। अगर ग्राम पंचायत लाइट लगवाना चाहती है तो पहले ग्राम सभा में डिस्कशन होगा जी। ग्राम सभा में कहा जाएगा कि जी हमारे पास पांच लाइटें लगवाने का ग्रांट है पैसा है अब ये पांच लाइटें हम गांव में कहां कहां लगवाएं जी फिर जब लोगों की सहमति हो जाएगी कि हाँ इन पांच जगहों पर लगाया जा सकता है तो ही वो पांच लाइटें लगेंगी तो ग्राम सभा में जो लोग हैं जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चुना है वो प्रतिनिधि भी वो पंच भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चीजों को बताने के लिए जी तो अगर सर कोई निर्णय हो ट्रांसपोर्ट से संबंधित मान लीजिए गाँव में क्योंकि हम मेन बसेस अगर गाँव के बाहर तक छोड़ रही हैं और गाँव के अंदर अंदर जाने के लिए जो है छोटी गाड़ियां काम कर रही हैं उनका फेयर मनमानी तरीके से चल रहा है और ऐसे में कई लोगों को समस्या भी हो सकती है तो तब ग्राम सभा या ग्राम पंचायत क्या रोल निभाती है जी अब देखिए दो तरीके के वाहन हमारे हिंदुस्तान में चलते हैं एक सरकारी और एक प्राइवेट जी सरकारी जिन पर सरकार का कंट्रोल है और दूसरा है प्राइवेट जिन पर सरकार का कंट्रोल नहीं है तो पहले अगर सरकारी है तो फिर आपको रिटर्न देनी पड़ेगी एक अपोलॉजी एक रिटर्न एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि भाई ये जो गाड़ी है ये जो वाहन है ये गांव के बहुत बाहर लोगों को छोड़ता है इससे लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उस वाहन को थोड़ा आगे तक गांव के निकट तक लोगों को छोड़ने के लिए कहा जाए जी। ये तो हो गई बात सरकारी की लेकिन अगर हम बात करें निजी वाहन जो प्राइवेट वाहन है उनकी उनके लिए ग्राम सभा में किया जा सकता है एक डिस्कशन ठीक है ग्राम सभा बुलाई जाए और ग्राम सभा में कहा जाए कि जो लोग हैं वो मनमानी से अपना किराया वसूलने की कोशिश कर रहे हैं अब अधिकतर जो लोग होंगे वो उसी ग्राम सभा का हिस्सा होंगे जो उस वाहन का मालिक होगा वो भी गांव का ही व्यक्ति होगा जी। जो गांव जो उसका ड्राइवर होगा वो भी गांव का ही व्यक्ति होगा तो उनको वहां पर समझाया जा सकता है ये काम हो जाएगा सरपंच का और पंचों का जी जो पंच और सरपंच उसको समझाएं कि भाई आप इस तरीके से अपना मन मनवाना मनमाना किराया जो है उसे नहीं वसूल सकते जी। आपको पूरे गांव का ध्यान रख के इस काम को करना पड़ेगा जी ये एक बहुत अच्छा तरीका है जी तो हमारी जो पंचायत है पंचायत गांव के हित में होने वाली जितनी भी चीजें होती हैं छोटी या बड़ी उन सब को रेगुलेट करना मैनेज करना ये सारा का सारा काम हमारा ग्राम पंचायत का होता है जी। और ग्राम पंचायत पे कंट्रोल हमारे सेक्रेटरी का होता है तो सेक्रेटरी इन सब चीजों को देखता है जैसे आपके यही जो हमारा जो वाहन के किराया वाला काम था इसमें सेक्रेटरी भी इस बात के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति हैं ये अपनी मर्जी से अगर मनचाहा किराया वसूल रहे तो इनकी कंप्लेंट करी जाए जी बिल्कुल तो इस तरीके की कंप्लेंट अगर आप गांव जो गांव है वो पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते हैं इन चीजों की कि भाई आप मन चाह के नहीं वसूल सकते जी तो हमने बहुत से फंक्शंस के बारे में बात की कि, कि किस तरह से जो है ग्राम पंचायत के फंक्शंस हैं काम है और ऐसे में हमने कुछ एग्जांपल्स लेकर भी समझने की कोशिश की कि अगर ये ये समस्या जो है सामने आती है तो कैसे कैसे जो है काम आगे चलता है एक ब्लॉक लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जैसे कि सर बता रहे हैं सर आगे इस विषय में आपसे क्या जानेंगे जी अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा होती है हुँ. ये फंक्शन किस तरीके से कर पाती है ठीक है ठीक है तो वापस अपनी उसी क्लासरूम में जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत बढ़िया तरीका है किसी भी तरीके से हम अब जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के फंक्शंस को समझाने के लिए एक टीचर रोल प्ले से जब पूरी ग्राम पंचायत बच्चों को समझाएगी तो उस ग्राम पंचायत के फंक्शंस को भी रेगुलेट कराया जा सकता है अब क्लासरूम में बच्चों को कहिए कि आपकी ये पचास बच्चों की क्लास जिसमें हमारे दस ब्लॉक हो गए और इन दस ब्लॉक या दस वार्ड हो गए और प्रत्येक वार्ड में से एक पंच को चुना गया उन पंचों को बोलिए कि आप एक सरपंच का चुनाव करें और सरपंच के चुनाव के बाद क्लास में होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनका डिस्कशन क्लास में ही करवाइए ठीक है जैसे अगर क्लास में एक प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम्स आने वाले हैं और बहुत सारे बच्चों की नोटबुक कंप्लीट नहीं है तो आप इसका डिस्कशन क्लास वो में करवाइए इससे बच्चों की दो तरीके की समझ डेवलप होगी पहली समझ तो यह डेवलप होगी कि ग्राम पंचायत किस तरीके से काम करती है और दूसरी यह समझ डेवलप होगी कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में सरकार का जो रोल होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा व्यक्ति जो व्यक्ति जो हम व्यक्ति विशेष होता है जिन्होंने सरकार को चुना वो किस तरीके से उससे काम करवा सकते हैं तो ये रोल प्ले जो मेथड है इस टॉपिक को समझाने के लिए सबसे उन्नत तरीका है जिसमें बच्चों को उनका रोल ग्राम सभा का रोल ग्राम पंचायत का रोल और पंच का रोल सबका समझ में आ जाएगा उनकी जो रीडिंग स्किल्स हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगी उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगी और पूरा का पूरा जो कार्यशैली है जी। उसको वो अच्छे से समझ पाएंगे जी सर आपसे थोड़ा सा इस बारे में भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपने क्लास का हमें जो है एक एग्जांपल दिया है और ऐसे में चुनाव जब होना है तो ऐसे में नॉमिनेशन करना या फिर चुनाव के लिए जो हम प्रचार करते हैं वो क्रिया कैसे होती होगी जी तो जो ग्राम के अंदर जो हमारे एक सामान्य ग्राम के अंदर जब वार्ड बनता है तो उस वार्ड में एक जो व्यक्ति होता है वो नॉमिनेट किया जाता है कि ये व्यक्ति वार्ड में खड़ा होगा ये व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा होता है वो वार्ड जो होते हैं वो इस इस बेसिस पे चयन किए जाते हैं कि गांव कितना बड़ा है अगर गांव बहुत बड़ा है तो उसमें वार्ड भी ज्यादा होंगे जी। अगर गांव छोटा है तो उसमें वार्ड भी कम होंगे ऑन एन एवरेज लगभग सात से हजार लोगों के गांव के अंदर सात वार्ड बनाए जाते हैं तो लगभग सौ लोगों पर एक ये संख्या जो होती है वो थोड़ा कम ज्यादा रहती है क्योंकि वार्ड सिर्फ लोगों पर ही नहीं लोग और एरिया जो एरिया है उस पर भी डिपेंडेंट होता है वार्ड के अंदर से एक व्यक्ति का चुनाव होता है वो व्यक्ति खुद को मनोनीत करता है कि भाई मैं इस वार्ड के पंच के रूप में खड़ा होना चाहता हूँ उसके बर, बाद उसके बाद वो लोगों से कहता है कि आप मेरे लिए वोट कीजिए और वो ये भी समझाता हो कि अगर आप मेरे लिए वोट करेंगे तो किस तरीके से चीजें होंगी मैं क्या क्या करूंगा और मैं किस तरीके से आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा ध्यान रखिए वो जो वार्ड वाला व्यक्ति है जिसे कि हम पंच कहते हैं उसको हम पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं ठीक है उस पूरे वार्ड के लोगों का रिप्रेजेंटेशन वो व्यक्ति करेगा कल को अगर उस वार्ड में कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए जो सिर्फ उसी वार्ड में है जी। तो सभी लोग जाके उस समस्या के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि वो पंच जिसको उन्होंने सिलेक्ट किया है वो जाके बात करेगा ठीक है सर ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने इस चैप्टर में हमें कई नई शब्द भी बताए हैं तो कुछ सिलेक्टिव वर्ड्स रहे होंगे हमारे बच्चों के लिए जो आज उन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से नए सीखे हैं तो हम बच्चों को कुछ की दे देते हैं जी तो बच्चों आपने इस चैप्टर में जो नए शब्द की पढ़े हैं वो हैं पंचायती राज डेमोक्रेसी ग्राम पंचायत ग्राम सभा गवर्नमेंट वार्ड तो अब बारी है बच्चों की सर से आपका आज का होमवर्क भी ले लिया जाए तो होमवर्क के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है राइट द फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा जो हमारी ग्राम सभा थी उसके फंक्शंस हमने इतनी डिटेल में फंक्शंस को डिस्कस किया तो हुँ. वो फंक्शंस क्या थे देन डिस्क्राइब द मोड ऑफ वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत कि ग्राम पंचायत किस तरीके से काम करती है शन द सोर्सिस ऑफ फंड पंचायत को जो पैसा है वो कहां से मिलता है इतना सारा काम करने के लिए देन डू पंचायत फंक्शन लेवल तो हमने अलग अलग लेवल ऑफ पंचायत की बात करी थी और आखिरी जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा व लिंक बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत ग्राम सभा ग्राम पंचायत के बीच में लिंक क्या है दोनों के बीच में हुँ. ठीक है मॉडिफाइड होमवर्क भी देख लेते हैं मॉडिफाइड होमवर्क में पहला प्रश्न बनेगा कि व्हाट इज ग्राम सभा ग्राम सभा क्या है व्हाट इज दी वर्क ऑफ ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत के क्या काम है मेंशन द सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत पंचायत के पास जो पैसा आता है जो फंड आता है वो कहां से आता है एंड डिस्क्राइब थ्री लेवल्स ऑफ पंचायत की जो पंचायत होती है उसके तीन लेवल कौन कौन से होते हैं जी. बच्चों आपने चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया ऐसे आप मैं आपको ये भी बता दूं कि किस तरह से आप ये होमवर्क हमें भेज सकते हैं तो होमवर्क सबमिशन फॉर्मेट आपके सामने है सबसे पहले आपको अपना नाम देना है आपको अपना क्लास स्कूल नेम एड्रेस उसके बाद एक्सपोर्ट टीचर नेम में आपको सर का नाम राहुल उनियाल डालना है नेक्स्ट आपको डेट ऑफ सेशन में आज के सेशन की डेट एंड टाइमिंग्स मेंशन करनी है फ़ोटोग्राफ ऑप्शनल है आप चाहे तो ऐच्छिक तौर पर फोटोग्राफ भेजें अथवा नहीं उसके बाद आप ये होमवर्क हमें मेल कर सकते हैं डी टी एच डॉट क्लास सिक्स एट दी रेट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर तो बच्चों ये तो रही हमारी समावेशी कक्षा जिसमें हमने आज जाना कि किस तरह से पंचायती राज काम करता है और ये आपके सोशल साइंस से लिया गया चैप्टर फोर है ऐसे में हमारे साथ जो एक्सपर्ट रहे सर राहुल उनियाल आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सर आज के सत्र के लिए धन्यवाद करना चाहूँगी मैं हमारे साथ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं सावरी सावरी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों एक ज़रूरी सूचना जो ई शैक्षिक कंपटीशन हमारे सी आई टी एन की ओर से प्रस्तुत किया गया है उससे जुड़ी है हमें बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है खुशी हो रही है कि सी आई टी एन इस वर्ष के लिए अखिल भारतीय बच्चों की शैक्षिक ई e कंटेंट प्रतियोगिता की घोषणा कर चुका है यदि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक प्रशिक्षक है छात्र या फिर स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता है तो आप अपनी प्रतियोगिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ई कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित है अधिक जानकारी के लिए और प्रवेश पत्र के लिए कृपया आप सी की वेबसाइट देखें तो आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यू कोड को स्कैन कर कर भी वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं आखिरी तारीख प्रविष्टियाँ भेजने के लिए बीस 20 जनवरी दो है यानी एक ही दिन का समय शेष है आप अपनी प्रविष्टियाँ हम तक जल्द से जल्द पहुँचा दें आपसे चाहूंगी कि आप हमारे लाइव इंटरएक्टिव सेशन से यूं ही जुड़े रहें दो बजे का सत्र हमारा लाइव होगा कक्षा दस के लिए जियोग्राफी का चैप्टर फोर पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चर तो यूं ही जुड़े रहें सी आई टी एन के सभी लाइव सत्रों के साथ और अपने ज्ञान के जो एक क्षमता है जानकारी की एक क्षमता जो बढ़ती चली जाएगी तो हमें भी बहुत खुशी होगी आपका साथ पाकर मैं चाहूंगी सृजन राजपूत की आपसे लू अनुमति आपका दिन शुभ हो नमस्कार